अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है बाय रोड आज़रबैजान का, वो कैसा रहा है। डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। 5 मिनट से ज़्यादा उम्मीद करता हूँ ये वीडियो नहीं होगी। 5 से 10 मिनट के अंदर मैं ये आपको पूरा बता दूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है। वैसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे जिसमें डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन मैं ये कुछ आपको कह लें कि शॉर्ट करके जो वीडियो है ये मैं अपलोड करूंगा कि कम से कम जो है ना वो आपका टाइम लगे और आप पूरी वीडियो देख लो। सबसे पहले तो हमने लाहौर से ट्रेन की टिकट बुक की, जो कि 4:30 बजे लाहौर से निकली थी, और अगले दिन रात को जो है ना उसने 8 बजे हमें क्वेटा में पहुंचाया। रात को हम क्वेटा में रुके, क्वेटा में हमने कमरा लिया 2000 रुपये में, और जो ट्रेन की टिकट थी वो 1500-1600 की इकोनॉमी होती है, जो स्टैंडर्ड एसी और दूसरी है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। क्वेटा में हमने, जैसे कि बता रहा था, क्वेटा में हमने एक रात के लिए कमरा लिया, वो हमें 2000 में मिला। वहाँ पर हमने रात गुजारी। अगले दिन हमने सुबह 8 बजे तफ्तान की बस की टिकट ली और 9 बजे बस वहाँ से निकल गई। तकरीबन 1500 किराया बोल रहे थे, 1200 रुपये में मतलब जो है ना हम गए थे पर सीट जो रेंट था। तफ्तान हम पहुँचे हैं शाम को 5 बजे तक, सुबह 9 बजे निकले थे। तो उसके बाद तफ्तान में हमने उधर पास ही अल मक्का के साथ ही एक रेस्टोरेंट था, अल हयात रेस्टोरेंट भी था, साथ होटल भी था, उधर हमने रूम रेंट पर लिया। वो हमें मिला तकरीबन 1500 रुपये में वो रूम मिला हमें, क्योंकि बॉर्डर 1 बजे बंद हो जाता है। तो रात को हम वहाँ पे रुके। वहाँ पे रुकने के बाद सुबह हमने 8-9 बजे के करीब बॉर्डर पर हम चले गए। बॉर्डर पे हमारे तकरीबन 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगे। वहाँ पे हमने बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त उन्होंने मतलब 5 लाख 52 जो है, जो ईरानी करेंसी है, वो लिए हमसे, और 5 लाख रुपया जो तकरीबन बनता है पाकिस्तानी 4000 के करीब बनता है, तो वो हमने दिया उनको PCR टेस्ट के लिए और करंतीन के लिए जो उधर रुकना था। करंतीना, क्योंकि ईरान का जब बॉर्डर बाय बॉर्डर आप बाय रोड जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे करंतीन करना पड़ता है एक रात के लिए। तो वहाँ पे हमने एक रात के लिए करंतीन किया, और उसके बाद रात जो है उधर जब हम करंतीन सेंटर में पहुँच चुके, वहाँ पे हमें मतलब ऑफ़र भी मिली कि अगर आपने जाना है अभी निकलना है, क्योंकि वो 24 घंटे के लिए जो है ना वो आपका पासपोर्ट जो है वो रख लेते हैं, मतलब 24 घंटे के बाद देते हैं जब आप अपना टाइम पूरा कर लेते हैं। लेकिन उसमें एक हमें राय दी थी कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 2 लाख 52 जो है ना वो हमें दें तो हम आपको निकाल देते हैं अभी। लेकिन हमने जाना मुनासिब नहीं समझा, रात हमने वहाँ पे गुजारी, क्योंकि हमें आगे से कोई कन्वेंस नहीं मिलनी थी। तो अगले दिन जो है हम सुबह निकल गए वहाँ से 9 बजे के करीब। जैदान के लिए हमने टैक्सी ली, वो हमें मिली जी तकरीबन 1 लाख 52 एक बंदे की, जो कि पाकिस्तानी बनते थे तकरीबन 800-900 के करीब बनते थे। वो टैक्सी हमें तकरीबन 1.5 घंटे में जैदान ले गई। जैदान से हमारा प्लान था तेहरान जाने का, लेकिन आस्तरा बॉर्डर बंद होने की वजह से हमने अपना प्लान चेंज किया। वहाँ से जैदान से हमने इस्फहान की जो है ना वो बस की टिकट ली। इस्फहान जब हम उधर जैदान में पहुँच के, इस्फहान की बस की जो टिकट थी वो 1,60,000 दमन की वो हमें टिकट मिली। तो वो तकरीबन पाकिस्तानी बनते थे कोई तकरीबन 1400 से 1500। वो टिकट ली, 1 बजे के करीब टाइम था इस्फहान के लिए। इस्फहान के लिए हम निकल गए 1 बजे। अगले दिन सुबह 5 बजे हम इस्फहान जो है ना वो बस स्टेशन पे पहुँचे, ठीक है। सुबह 5 बजे वहाँ पे हम रुके 2-3 घंटे बस स्टेशन पे। तो हमने आगे से अर्ताबील के लिए टिकट ली। अर्ताबील से जो है ना वो
जेल्फो का जो बॉर्डर है ना, जो अर्ताबील के बिल्कुल पास नक्शीबान को जो बॉर्डर लगता है, इधर से जो बाकू बाकू वाली साइड है वो नक्शीबान है, और इनका जो है जेल्फो, आई थिंक इस तरह का बॉर्डर का नेम है, वट एवर, मुझे उसका थोड़ा सा डाउट था नेम का। तो अर्ताबील की हमने टिकट ली, जो कि हमें 2,30,000 बोल रहे थे, हम 5 लोग थे तो रास्ते में हमें मिल गए थे, तो वो हमें उन्होंने 2 लाख रुपए में दे दी टिकट। वो पाकिस्तानी बनते थे तकरीबन 2,000 से कम ही बनता था, ठीक है। अर्ताबील जो है ना, वहाँ पे वहाँ से हमने टैक्सी करवाई, सॉरी अर्ताबील हम नहीं रुके, हम आस्तरा ही उतर गए। हमने कहा चलें ट्राई कर लेते हैं, शायद कोई फर्स्ट मई थी तो सुनने में आया था न्यूज़ में कि 1 मई को जो है ना वो बॉर्डर ओपन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, उन्होंने हमें नहीं जाने दिया आस्तरा बॉर्डर से। फिर हमने आस्तरा बॉर्डर से टैक्सी करवाई, जो कि हमें एक टैक्सी ने $50 लिए, और हमें मतलब नक्शीबान वाले बॉर्डर पे जो है ना वो लेकर गई। वो तकरीबन जो टैक्सी का सफ़र था वो 6 घंटे का था, जो इस्फहान से हमारा सफ़र था आस्तरा बॉर्डर तक, वो बस निकली थी शाम 5 बजे करीब, और हमें उसने पहुंचाया था अगले दिन सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब आस्तरा पे। तो आस्तरा से हमने टैक्सी ली, टैक्सी वाले ने हमसे $50 लिए, तो $50 में जो है ना वो हम चले गए नक्शीबान बॉर्डर पे। 6 घंटे का सफ़र था टैक्सी पे, और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत, मैं कहता हूँ नज़ारे आते हैं, जिस तरह अपना पाकिस्तान में नारान है वो नज़ारे उनको भी पीछे छोड़ते हैं। कुछ मौसम बहुत ज़बरदस्त था, तो वहाँ पे हम जब पहुँचे हैं, बॉर्डर क्रॉस किया है, वहाँ पे हमें एंट्री मिल गई, तो हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया, क्योंकि काफ़ी डाउट था कि पता नहीं यार आस्तरा बॉर्डर से हमें इन्होंने जाने नहीं दिया, पता नहीं यहाँ से जाने देते भी हैं या नहीं जाने देते हैं। तो फाइनली फिर हम जो है ना, तकरीबन सफ़र काफ़ी था, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 से 5 दिन जो है ना वो हमारे सफ़र पर गुजर गए हैं। ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना, ये यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं, मैंने सोचा कि टाइम भी लिमिट जो है ना वो भी आपको साथ साथ बता दूं। बाकी जो डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वो लिंक का आप जब ओपन करेंगे तो वो डिटेल के साथ जो जो हमने सफ़र में जैसे जैसे होटल लिए वो सारी डिटेल उसमें मौजूद है, आप लिंक जाके चेक कर सकते हैं जी दोस्तों। तो जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया नक्शीबान का, तो वहाँ पे हम जब एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं, वहाँ से हमने टैक्सी ली, बाहर निकलते ही टैक्सी वाले ने हमसे 5 मनात लिए एक बंदे से, तो वो हमें ले गए नक्शीबान एयरपोर्ट पे, लेकिन वहाँ से हमें कोई टिकट नहीं मिली आज की डेट में। तो फिर अगले दिन जो है वो हमें रात की टिकट मिली 10:30 बजे के करीब की, 1 घंटे का सफ़र था 45 मिनट का नक्शीबान से बाकू का। हम रात जो है फिर हमने होटल लिया उधर नक्शीबान में, 15 मनात एक नाइट का मिला, वो हॉस्टल टाइप था बेड स्पेस पे, तो वो हमने लिया। तो वहाँ पे हम रुके, काफ़ी इंजॉय किया नक्शीबान को, बहुत खूबसूरत सिटी है, मैं कहता हूँ चिल करने वाला है। हम वहाँ पे घूमे हैं, बहुत इंजॉय किया उधर। तो अगले दिन शाम की फ़्लाइट थी, फ़्लाइट पकड़ के हम बाकू आ गए, और फ़्लाइट की जो टिकट थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, सिर्फ हमें वो टिकट जो है वो 70 मनाद में मिली थी, 70 मनाद में जो है ना वो हमें मिली थी वो टिकट नक्शीबान से बाकू। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, बाय रोड जो है नक्शीबान से बाकू जो है ना वो रोड अभी तक नहीं बना है, क्योंकि सेंटर में काला बाग आई थिंक आता है, तो वो काला बाग आता है जिसकी वजह से अभी रोड जो है वो सुनने में आया बन रहा है, तो वो अभी उसको टाइम लग जाएगा। तो वहाँ से बाई एयर ही आते हैं, जो भी आज़रबाईजान की एयरलाइन आती है तो वो 70 मनाल लेती है इधर बाकू, और बाकू से फिर हम फाइनली पहुँच गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और फाइनली अब हम बाकू इंजॉय कर रहे हैं।